इस बस की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। आपको बता दें इस बस की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से, जहां मोड़ के पास स्कूल वैन पलटने से एक बच्चे बस चालक की मौत हो गई है और लगभग एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह पूरा मामला हमीरपुर के थाना क्षेत्र के कुरारा के लौखोड़ा मोड़ का पूरा मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित मिश्रा। क्या है पूरा मामला अमित मिश्रा, जरा विस्तार से बताएं। अर्पित, जैसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर वहाँ का प्रबंधन जो समिति होती है वो वहाँ पे प्राइवेट वाहन लगा देते हैं, जैसे कि ज्यादातर ये लोग वैन का ही प्रयोग करते हैं और प्राइवेट वैने लगाकर ये बच्चों को उनके घर छोड़ना स्कूल लाने के लिए लगाते हैं। तो आज उसी प्राइवेट वाहन से बच्चों को घर भेजा गया था, जो अनियंत्रित होकर पलट गया और मौके पर ही चालक की भी मौत हो गई और एक मासूम बच्चे की मौत हुई और करीब आधे दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से योगी सरकार तमाम वादे कर रही है स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और तमाम आरटीओ को निर्देश दिए गए थे कि जो भी स्कूल में वाहन प्रयोग हो रहे हैं उन सबको चेक किया जाए कि वह पूर्ण तरह से बच्चे उसमें सुरक्षित है या नहीं, चालक किस तरह से वाहन को ड्राइव कर रहा है या नहीं, या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तो क्या निकल के आ रहा है वहां पर, चालक किस तरह का चालक था, क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या किस तरह से, क्या कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, जैसा कि मामला ये है कि योगी सरकार बराबर कह रही है कि जो भी स्कूल हैं स्कूलों में जो भी वाहन लगेंगे तो वो टैक्सी परमिट के लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी वाहन स्कूलों में लगते हैं वो टैक्सी परमिट नहीं लगते, निजी प्राइवेट वाहनों को स्कूलों में लगाया जाता है और देखा जाए तो प्रशासन और आरटीओ भी इनको बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि जो भी स्कूलों में वाहन लगे हैं वो टैक्सी परमिट है या नहीं है, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं और बिना टैक्सी परमिट के वाहनों पर को स्कूल में लगाने पर बच्चों के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका किसी प्रकार किसी को क्लेम नहीं मिलता। और आज वही एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें देखने को मिला कि एक प्राइवेट वाहन से बच्चे की मौत हुई है, जिसमें बच्चे के परिजनों को एक तो बच्चा गंवाना पड़ा और उसके बाद उसको किसी प्रकार कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जी अमित, योगी सरकार तमाम तरीके के वादे कर रही है और प्रशासन है उसको लगातार निर्देश दे रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर अमित एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे हमीरपुर से, हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए थे इस तमाम जानकारी के लिए। गाड़ी आ रही थी लखौंदा छोड़ने के लिए, स्कूल में लगी हुई गाड़ी थी, टायर पंचर हो जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रण हो गई जिससे पलट गई और एक बच्चा ड्राइवर मौके पे ख़त्म हो गया और पांच बच्चे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्राम प्रधान सिकरौड़ी पवन कुमार पांडे। एक पुरारा से भावली रोड पर लखौंदा गांव पड़ता है, लखौंदा गांव के पास ही लखौंदा के ही सब बच्चे थे, एक खुलिया पलटी वहीं पर जो है वैन पलटी है, लगभग 10-11 बच्चे थे उसमें, सबके चोटें आई हैं, कुछ 3-4 बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं, एक तो एक्सपायर हो गए मौके में और ड्राइवर भी एक्सपायर हो गया है, ये पूरा मामला है। ये पुराना में लखौंदा एक प्लेस है, वहाँ से खबर आ रही है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, स्कूल बस जो है पलट गई है, स्कूली बच्चे थे जिसमें एक दर्जन के आसपास घायल हैं और हमारे पास अभी 3 आए हैं जिसमें एक मृत अवस्था में लाया गया और 2 को हमने कानपुर रेफर कर दिया है, वो गंभीर है।